हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज में क्लास टेंथ वालों के लिए मैथमेटिक्स गणित का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। 17 फरवरी को जो आप सभी का एग्जाम्स होने वाले हैं, अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियोज आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जोर देखेगा सभी छात्र, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मॉडल सेट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ है, यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी क्लास टेंथ के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को लेटेस्ट जो की जानकारी और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों, starkstudy.com का, इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ है मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट कर सकते हो अपने मोबाइल पे बिना, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अभी जाके जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट करना। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। ये देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल मैथमेटिक्स का कंपल्सरी गणित। चलिए जानते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लासेज होने वाले हैं आज का। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हम लोग पूरे क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 50 का ही जवाब देना है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये बहुत ही ईजी है, मतलब समझो कि सभी सेट में गणित में आपको परिमेय है या फिर अपरिमेय, ऐसे ही स्टार्ट होगा, है ना। पहला क्वेश्चन देखते ही बन जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। रूट अंडर 2.5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, याद रखिएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि रूट अंडर 2 है एक, रूट अंडर 2 जो है कौन सी संख्या है भाई? ये एक अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 3 हो गया, रूट अंडर 5 हो गया, रूट अंडर 6, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जितने भी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते वो सारे अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। जैसी डैश 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 लग गया, इसका मतलब ये कहाँ पे अंत होगा? अनंत तक जा रही है। जब भी कोई संख्या में भाग देते हैं और अनंत तक जा रही है दोस्तों, मुझे पता ही नहीं कि ये कहाँ तक जाएगी, तो वो सारे संख्या क्या हो गया? अपरिमेय संख्या का उदाहरण होंगे, ऑप्शन नंबर 3 का भी। इसमें भी देखो 0.121, फिर है 1211, फिर है 1211111, 3 गो 1, फिर 1 2, 4 गो 1 यहाँ पे होता, फिर इसी तरीके से डैश डैश होते रहता था अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। सम कहा गया है दोस्तों, धनात्मक कहा गया है ना, मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए सारे संख्याएं, तो निकाल दो दोस्तों सारे सम धनात्मक सम पूर्णांक जो है, और सम तो जैसे ही आ गया दोस्तों जिसका मतलब 2q है ना, q का मान यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी इनफाइनाइट तक, ये सारे संख्या जो है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, है ना, वो सारे क्या होगा? सम पूर्णांक बनते चले जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि कहा गया है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय जो होगा वो कितना होगा? काफ़ी सिंपल और साधारण प्रश्न है, दिमाग लगाने वाला बात है दोस्तों। कहा गया है कि वृत्ताकार पथ है, ठीक है दोस्तों, ये वृत्ताकार पथ है, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तीनों आदमी, है ना, 3 धावक हैं, और एक चक्कर लगाने में क्रमशः पहला धावक को 2 घंटा लगता है, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को 6 घंटा, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में, मतलब यहाँ से चला, ठीक है, सभी ये 2 ही घंटा में आ गया यहाँ पे, ये 4 घंटा में आया और ये 6 घंटा में आया, ठीक है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में जो लगा समय होगा वो कितना होगा? तो सिंपल है दोस्तों, 2, 4 और 6 का आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है दोस्तों? लघुत्तम समावर्तक, है ना, तो 6, 4 और 2 का एलसीएम होगा 12, ये 12 घंटा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2, 4, 6 का क्या निकालना है दोस्तों? हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x)-5x+7 के मूल हो तो 1/α + 1/β का जो मान होगा वो क्या होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं ना, इस इक्वेशन में, इस बहुपद में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए कि 1/α + 1/β,
आपको डायरेक्ट मान रखना है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए अपॉन सी अपॉन ए, तो ए से ए जाएगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस बी अपॉन सी। यही मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाह रहा था कि अगर वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा अगर दिया जाए तो डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों आपका मान माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस बी यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस पाँच है भाई, तो माइनस पाँच, और सी के जगह पे कितना है दोस्तों, सात है, तो माइनस पाँच, माइनस माइनस पाँच बटा सात, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये पाँच बटा सात, यही आंसर हो जाएगा पाँच बटा सात, जो ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों, है ना, समझ में आ गया होगा। माइनस बी अपॉन सात, सॉरी माइनस बी अपॉन यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना, तो माइनस के जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस पाँच, तो प्लस पाँच बटा सात, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। कहा गया है सात नंबर दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये सारे, है ना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत चीज़ यहाँ से सीखने वाले हो आप सभी, और लाइव क्लास बहुत ही जल्द आने वाले हैं दोस्तों। लाइव क्लासेस के लिए आप लोग को बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन मिलेगा, और जैसे ही लाइव आऊँगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस चार जो है वो क्या है दोस्तों, है ना, बहुपद एक्स क्यू माइनस, ये कौन सा बहुपद है, इसमें तीन घात है मैक्सिमम, तो ये त्रिघातीय बहुपद है, क्या है दोस्तों, त्रिघातीय बहुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर की, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होगा वो क्या होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे दोस्तों, और दो चर वाला है ना, दो चर वाला, द्विघातीय नहीं बोला जा रहा है, दो चर वाला, बहुत सारे छात्र इसमें फंस जाते, अगर परवल ही रहता तो पैरा परवल ही मार देता, लेकिन नहीं, यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को, कहा गया है कि दो चर वाला रैखिक रैखिक समीकरण है, जैसी रैखिक आ गया दोस्तों तो इसका मतलब वो सरल रेखा का ग्राफ बनेगा आलेख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल है ना, तो निकाल सकते हो दोस्तों टू, हम लोग जानते हैं कि अनंत हल होने के लिए शर्त जो होता है वो होता है ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू, अब बराबर होता है दोस्तों सी अपॉन सी टू के, ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, मान बैठा देना है दोस्तों, दो अपॉन चार हो जाएगा ये, तीन अपॉन के हो जाएगा, और ये पाँच अपॉन दस, या तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या इसमें, चलो हम इसी में करते हैं दोस्तों, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो टू के बराबर चार दिया बारह, तो दो से छः, तो के का मान यहाँ पर छः राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो है ये सही हो जाएंगे, है ना। के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी छः राइट आंसर। चलिए दस नंबर देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल समान होंगे यदि, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूल जो है यहाँ पे समान होंगे, तो कैसे होता है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होता है ना, तो इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर प्लस में यह जाएगा फोर ए सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10 का तो ए हो जाएगा राइट, 11 नंबर है, कहा गया है कि द्विघात समीकरण एक्स प्लस पाँच इंटू एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो में एक्स का जो एक मान होगा वो कौन सा होगा, बहुत ही सिंपल है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों, है ना, नहीं नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस सिक्स छः, मतलब ये हो जाएगा आपको कितना, फिर ये हो जाएगा आपको माइनस तीस, है ना, और ये हो जाएगा माइनस आपको सिक्स एक्स, ठीक है, बराबर जीरो, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस में से पाँच गया तो ये माइनस एक्स माइनस तीस बराबर जीरो, इसका मान निकाल देंगे, एक्स एक्स स्क्वायर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस तीस आ जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, है ना, यानी तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हो दोस्तों, इससे भी आप लोग एक्स का मान एक पाँच आएगा और एक छः आएगा, ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर करोगे क्या,
सॉरी एक्स का मान एक माइनस पाँच आएगा और एक छः आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन से बनाएंगे, ठीक है। बराबर एक्स प्लस पाँच इंटू एक्स माइनस छः बराबर जीरो में एक्स का एक जो मान होगा, चले पाँच रखते हैं दोस्तों एक्स में एक जगह, तो पाँच प्लस पाँच पाँच माइनस छः कभी भी जीरो आएगा नहीं आएगा। अगर छः रखते हैं दोस्तों, छः प्लस पाँच ग्यारह इंटू छः में से छः गया तो आपका जीरो, छः में से छः गया कितना जीरो, तो ग्यारह गुने जीरो बराबर जीरो। तो इसका मतलब एक मूल जो होगा, एक मान जो होगा वो छः तो कन्फर्म होगा दोस्तों, और बाकी यहाँ पे कोई और दूसरा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे x का मान क्या आ जाता है, माइनस पाँच और छः, जो मैंने आप लोग को बताया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस तीस जो आया था दोस्तों, इसको कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। चलिए अगर किसी भी तरह का दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 12 नंबर की, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो कितना होगा। बहुत ही सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा का मान सभी को पता ही होगा दोस्तों, सी अपॉन ए होता है, तो सी के जगह पे माइनस 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, कहा गया कि यदि किसी ए पी का एनवा पद 5n माइनस 3 है तो दूसरा पद क्या होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी ए पी का एनवा पद 5n माइनस 3 हो तो दूसरा पद क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, एनवा पद कहा गया है दोस्तों 5n माइनस 3 है, तो यहाँ पे n का मान कुछ भी रख लो दोस्तों, है ना, n का मान यहाँ पे कुछ भी रखो तो क्या होगा बताओ। सॉरी, और दूसरा पद कहा गया है n का मान यहाँ पे 2, तो 5 गुने 2 और माइनस 3, तो 5 दूनी 10 में से 3 गया तो कितना 7 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना, 13 का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पद पूछा गया था। 14 नंबर देखते हैं कि यदि ए पी का समान पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए पी का समान पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार्व अंतर, सार्व अंतर निकालने के लिए n का मान यहां से 1 2 3 कुछ भी रखो दोस्तों, इन्फाइनाइट तक लगातार, है ना, 3 गुने 1 प्लस 5 कितना 5 3 8 हो जाएगी, 3 गुने 2 प्लस 5 तीन दूनी छः पाँच ग्यारह, फिर 3 गुने 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 3 3 9 5 14, तो इसका मतलब 3 का डिफरेंस हो रही है दोस्तों, तो सार्व अंतर कितना होगा, कॉमन डिफरेंस डी का मान 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि ए पी का मान 9 12 15 18 डैश डैश का एनमा पद कौन सा होगा, तो निकाल लो दोस्तों यहाँ पे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान यहाँ पे 9 है, डी का मान 12 में से 9 गया आपका 3 बचेगा, और एन का मान निकालना है, ठीक है। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 3 है, है ना, 3 है कि नहीं, बिल्कुल। और ए का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 9, 9 प्लस 3n माइनस 3, तो ये 3n प्लस यहाँ पे 6 राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्ग जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं। देखो दोस्तों, सभी वर्ग जो होते हैं, वर्ग में क्या होता है दोस्तों, आपका चारों भुजा आपस में बराबर होता है ना, चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो ये समरूप कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो दोस्तों, समचतुर्भुज जो होता है इसका जो भुजा की विकर्ण की लंबाई दिया गया है, इसका मान लो 6 है और इसका मान लो 8 है दोस्तों, ठीक है। तो ये भुजा आपको यहाँ पे पता करनी है, इसकी प्रत्येक भुजा, तो प्रत्येक भुजा बराबर ही होगी क्योंकि सभी समचतुर्भुज एक वर्ग होता है दोस्तों, है ना, और ये 90 डिग्री पे इसको काटता है। जब ये दोस्तों यहाँ पे 8 है टोटल, है ना, और ये टोटल 6 है, ये क्या है दोस्तों यहाँ पे ये 6 है, है ना, ये क्या है दोस्तों आपका 6 है और ये 8 है, ये 8 है और ये आपका 6 है, तो ये दो बराबर भागों में बट जाता है दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री पर काटता है। जब ये 3 है 4 है और ये क्या करेगा दोस्तों, कर्ण का काम करेगा, है ना, हाइपोटेनस का, और ये 90 डिग्री, क्योंकि लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये एच का काम करेगा, तो एच का मान रूट अंडर में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 16 प्लस 9, तो रूट अंडर 25, तो 5।
5 सेंटीमीटर इसका भुजा की लंबाई सभी हो जाएगा, है ना। इधर से भी निकाल सकते हो आप 4 और 3, कहीं से भी निकाल सकते हो 5 सेंटीमीटर इसकी भुजा की जो लंबाई होगी, ठीक है। किसी भी तरह का दिक्कत आते है जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट 18 नंबर कहा गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, इसको बनाना पड़ेगा, है ना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं दोस्तों। मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए है, बी है और ये सी है। इसकी भुजा 2a है, 2a है, 2a है। इसकी ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला। समबाहु है तो सभी आपस में बराबर है और ये दो भागों में बटे गया, तो ये a और ये a हो जाएगा और इसका मान तो 2a है ही, है ना। और ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब निकाल दो P, ये लंब हो जाएगा दोस्तों इस, और ये कर्ण, तो रूट अंडर में 2a² माइनस ए स्क्वायर, है ना। अब इसको क्या करो दोस्तों, आप लोग बना लो, है ना, क्या करो बना लो। तो यहाँ पे 18 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, a√3 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, a√, ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 2a² नहीं, 2a का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि चित्र में x का मान क्या होगा, इसका मान, x का मान जब ये 60 है दोस्तों, जब ये 60 है तो ये क्या होगा बताओ, ये भी 60 होगा, तो 60 25 कितना होगा, 85, और 180 में से 85 घटा दो तो कितना होगा, 95 डिग्री होगा कि नहीं बताओ। तो 19 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कैसे मैंने बताया दोस्तों, ये संगत कोण से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 60 ये इस, तो एल भी 60 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में से 60 और 25 को घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि दिए गए चित्र में DE समानांतर BC है, AD का मान 2 है, DB का मान 3 है और AE का मान 1.6 है, इसका मान बताओ। जब ये 2 से 3 हुआ दोस्तों तो ये 1.6 से कितना होगा, तो निकाल ले 2/3 बराबर 1.6/EC, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 8 16, तो इसी का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 24, तो 2.4, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श, उभयनिष्ठ जैसी बोला दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये टोटल यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, टोटल 3 हो जाएगा। कैसे, दो वृत्त हैं दोस्तों, तो मान लो कि ये एक वृत्त है ये और ये बाह्यतः स्पर्श, तो स्पर्श कर रहा है दोस्तों, तो ये है ना, तो ये एक हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ, है ना। तो 3 टोटल हम लोग स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। कहा गया है कि दी गई आकृति में PA और PB वृत्त के स्पर्श रेखाएँ हैं, है ना, ये रेखा और ये रेखा आपस में स्पर्श रेखाएं हैं। यदि APO का मान, APO का मान 30 डिग्री है तो कोण AOP मतलब इसका मान आपको बतानी है। तो इसका जो मान होगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 90 डिग्री है ना, अब माइनस जो होता है दोस्तों, जो ही मान होता है उसका आधा, ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बट जाता है ना, क्या होता है दोनों आपस में आधा आधा होता है, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, है ना। और ये यहाँ से इसका मान निकालना है तो ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। और इसका जो मान होता है दोस्तों, इसका मान जो इसका मान होता है, इसका दोगुना होता है इसका मान, ठीक है, क्या होता है देखो ना, APB मतलब ये जो मान है APB यही मान होता है दोस्तों इसका AOB, है ना, AOB जो है इसका दोगुना होता है, ये 60 है तो ये 120, तो ये इसका आधा 60 हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा 60, तो 60 डिग्री आंसर राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है दोस्तों। कहा गया है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हो तो उभयनिष्ठ, जब कभी नहीं काटते हैं दोस्तों, है ना, जब कभी नहीं काटते हैं तो उस पर टोटल स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 हो जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, है ना, ये एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है दोस्तों। अब एक और स्पर्श रेखा यहाँ से दोनों को, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो ऐसे यहाँ से खींच सकते हैं दोस्तों, और एक ऐसे खींच सकते हैं ना, तो ये हो गया टोटल आपको 4 स्पर्श रेखाएँ बन जाती है। और जब सटता है दोस्तों, उभयनिष्ठ रहते हैं जब आपस में स्पर्श करते हैं तो 3 ही,
त्रिभुज असंभव है। कहा गया है कि त्रिभुज कौन सा असंभव है? 4, 7, 9, 8, 12, 18, 5, 16, 20, 9, 6, 16। देखने ही से लग रहा है दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, क्योंकि दो भुजा का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो 9, 6, 15, 16 ही बड़ा है, 15 से नीचे होनी चाहिए तभी ये त्रिभुज संभव होता, तो ये असंभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 25 नंबर कहा गया है कि यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर इस प्रकार स्थित हो कि वह दूसरे वृत्त को न तो काटता हो और न ही स्पर्श करता हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? क्या कहा गया है दोस्तों, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर इस प्रकार स्थित हो कि दूसरे वृत्त को न काटता हो न ही, मान लो ये वृत्त है, इसके अंदर ही ऐसा वृत्त है दोस्तों, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, है ना? तो भाई देखो उसमें उभयनिष्ठ कैसे होगा बताओ आप ही, है ना? तो एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं नहीं होगी, क्योंकि जब भी स्पर्श रेखाई को दोनों को जैसे यहाँ से गया तो ऐसे थोड़ी ना स्पर्श है, स्पर्श रेखा तो हमेशा सीधी होती है दोस्तों, क्या होती है? सीधी होती है स्पर्श रेखाएं, तो कैसे इसमें होगा? एक भी स्पर्श रेखा इससे नहीं गुजरेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं, जो आप सभी को 17 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उससे पहले पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं दोस्तों आप सभी के लिए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय भी। चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में दोस्तों, बाय बाय सभी को, और बताना कॉमेंट में किस तरह के वीडियो चाहिए, और शेयर जरूर करना लाइक करके।